श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय नड्डा जी ने जो प्रस्ताव लाया है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए, उसके मैं समर्थन में खड़ा हूँ। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सब लोगों ने चर्चा किया, और वो जो किसान का जो मुद्दा है, तो इसी पर मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा शुरू में ही। सरकार की योजना है कि 2022 तक किसान की जो आमदनी है उसको दुगना करने, तो इसमें मेरा सुझाव होगा सरकार से, क्योंकि ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि किसान की जो परिभाषा है उसमें कौन कौन किसान सम्मिलित है। किसान जिनके नाम से ज़मीन है, किसान जो बटाईदार हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि किसान की परिभाषा में इन दोनों को रखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो कही जा रही है कि आमदनी इनकी दुगनी होगी, ये भी स्पष्ट होना चाहिए, इसका क्लियर कट क्वांटिफिकेशन होना चाहिए कि आमदनी कितनी होगी। आज किसानों की आमदनी कितनी है और 2022 तक कितनी हो, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और तब जा कर करके जब हम इसका इवेल्युएशन करेंगे 2022 में, तो इसको पूरी ईमानदारी से हम लोग इसको कर पाएंगे। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार एक सोच हुई कि किसानों को सीधे उनको एक सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया दिया जा रहा है। और इस जो अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है, अब तक की जो कृषि नीति रही है देश में वो उत्पादन प्रेरित रही है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड रही है, और पहली बार अब जो है किसानों को आय को केंद्र में रह करके ये नीति बनाई गई। तो ये 6,000 रुपया के बारे में जो सोच है, ये जरूर है अभी राशि कम है, लेकिन पहली बार कम से कम सोच हुआ है किसानों को सीधे सीधे कुछ राशि दी जाएगी। पहले सिर्फ सोच हुआ करता था कि किसान प्रोडक्शन करे, उसको हम MSP दें, इससे उनको लाभ मिले। जहाँ तक MSP की बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, जिसकी खूब चर्चा हुई है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा उससे हम 1.5 गुना ज़्यादा दें। तो मेरा अनुरोध होगा, अभी प्रोफेसर राम गोपाल जी बोल रहे थे कि इसको भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए जब भी ये CACP रिपोर्ट जारी करती है कि किसी भी फसल के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, जिससे किसानों को बहुत ही स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। निश्चित रूप से किसानों के लिए एक और योजना जो शुरुआत की गई है, और वो है किसानों के लिए पेंशन। ये बहुत अच्छी सोच है। आज आप देखें कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे जवान हैं, देश के लिए काम करते हैं, 60 वर्ष पूरा करने के बाद उनको पेंशन दिया जाता है। किसान को देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हम लोग बाहर से खाद्यान्न लाते थे, हमारे देश में इतना उपज नहीं होता था, ये किसानों ने अपनी मेहनत से हमारे देश में इतना उत्पादन किया कि हमारा देश आज आत्मनिर्भर है। और जब किसान 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको भी पेंशन मिलना चाहिए, ये सरकार की जो सोच है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव होगा कि जो पेंशन रखा गया है वो रखा गया है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, और इसको नीचे स्तर पर लागू करना बहुत परेशानी हो। और मेरा इसमें जो बिहार में भी किया गया है कि जितने भी हमारे यहाँ 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सबको, चाहे वो APL में नाम हो, BPL में नाम हो, सब लोगों को पेंशन दिया गया। और उसमें एक और भी फायदा है कि किसानों को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा, न किसी इंश्योरेंस कंपनी से उनको किसी प्रकार का जाना पड़ेगा। तो मेरे सरकार से अनुरोध होगा कि जो किसान पेंशन योजना है इसको रीलुक करें, और इसमें किसानों को सीधे सीधे जिस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इसकी व्यवस्था है उसी प्रकार से दिया जाए, इससे किसानों को निश्चित रूप से फायदा हो।
एक और मैं सुझाव देना चाहूँगा, और इसमें सरकार का कोई खर्च भी नहीं होगा। आज मनरेगा के तहत सभी पंचायतों को धनराशि भेजी जाती है पूरे देश में, और उसमें जितने तरह के काम होते हैं उनका उसमें जिक्र किया जाता है। मेरा अनुरोध होगा कि मनरेगा में जो अनुमन्य काम है, जितने भी उसमें ऑथराइज्ड वर्क्स हैं, उसमें कृषि जो प्राइवेट किसान हैं, निजी खेती करते हैं, उनको भी उसमें जोड़ा जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि सरकार जो आज हर एक पंचायत में लेबर के लिए पैसा भेज रही है, कई जगह उसका दुरुपयोग होता है, बहुत जगह फर्जी मस्टर रोल बनता है, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी, और किसानों को जो लेबर पर खर्च होता है उसका पेमेंट मनरेगा से हो जाएगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट में जो बचेगी उससे उनको सीधा सीधा फायदा होने वाला। तो ये मेरा ये भी सुझाव था। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि किसान भी बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि जितनी सेवाएं हैं, जो भी काम है, सब में आमदनी की गारंटी होती मिनिमम। तो किसानों के लिए भी ये अब तय किया जाना चाहिए, इसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए कि किसानों को भी अगर एक एकड़ ज़मीन है, आधे एकड़ ज़मीन है, तो वो भी आश्वस्त हों कि हमको साल में हमारी ज़मीन से कितनी मिनिमम आमदनी होगी, गारंटेड इनकम होगा। आज क्लास फोर के एम्प्लॉयज हैं, उनको 18 से 20 हज़ार रुपये मिलता है, लेकिन हमारे किसान अगर 5 एकड़ भी ज़मीन है वो आश्वस्त नहीं है कि इस साल हमारी इतनी आमदनी हुई है, अगले साल कितनी होगी। तो इस तरह से किसानों को आश्वस्त करना पड़ेगा, और तब जा कर करके जो किसान जिसको चाहती है सरकार भी और सब लोग चाहते हैं कि उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो, और ख़ास करके खेती का जो पेशा है वो लाभकर हो, लोग उसमें लगे, तो इन सभी चीज़ों को अगर लागू किया जाएगा तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और कृषि का पेशा भी अच्छा हो। एक बात और मैं जो सबके सामने रखना चाहूँगा, और वो है कि आज देश में जितने भी स्टेट्स हैं, सब जगह विकास एक समान से नहीं हुआ है, डिस्पैरिटीज हैं, इसका हिस्टोरिकल रीजन्स भी है। लेकिन अब समय आ गया है कि जितने भी इस प्रकार के राज्य हैं, जिन राज्यों में बहुत तरह की परेशानियां हैं, जैसे हमारा बिहार ही है, आज लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारे यहाँ बराबर फ्लड आ जाता है, तो ऐसे राज्यों के लिए अलग से जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग मांग करते रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे की, और भी चीज़ों की बात हम लोग करते रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर निश्चित रूप से एक नीति बनानी होगी कि आज भी ऐसे राज्य जो विकास के मानक में राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, उनके लिए अलग से योजनाएं बनाई जाए, जिससे कि आगे चल कर करके वो भी और राज्यों के बराबर विकास कर सकें, जिससे कि पूरे देश का समग्र विकास हो सके। इस पर चिंतन किया जाना चाहिए और ऐसे राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था किया जाना चाहिए। एक बात के लिए और भी सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज बिहार ऐसे प्रदेश में, हमारे आज ऊर्जा मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी घरों में बिजली पहुँचा दी गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सोच थी लेकिन कोई समझता नहीं था कि ये संभव है, लेकिन ये हो गया। इसके बाद जो सरकार की सोच आई है कि हर एक घर को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ेंगे, हर एक घर को नल का जो जल देंगे, ये भी बहुत अच्छी सोच है। और अगर हर एक घर में स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो जाएगी, जिसके लिए सरकार संकल्पित है कि 2024 तक करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं उनका लाइफ, उनके जो जिसको जीवन स्तर कहते हैं, उसमें सुधार आएगा। लेकिन जो हमने अभी बिहार में देखा है, चूँकि हमारे यहाँ ये स्कीम लागू की गई है, इसमें कुछ परेशानियाँ क्या आ रही हैं कि धीरे धीरे कई जगहों पर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। और साथ ही चूँकि ग्रामीण इलाकों में जिसकी चर्चा भी हो रही थी कि पहले जो ड्रेनेज सिस्टम था, जितने तालाब थे, पोखरे थे, सब भर दिए गए हैं, तो ग्रामीण इलाकों में, खास करके गाँव में, जल निकासी की भी समस्या हो रही। तो इसको भी पूरा का पूरा अगर आप एक पर्सपेक्टिव में लेंगे, तो निश्चित रूप से इससे जो है पूरे के पूरे ग्रामीण जो हमारे लोग हैं उनके जीवन में सुधार आए। इसके साथ ही एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आपने लागू किया, वो जो 10% आपने जो आरक्षण दिया, जो हमारे
जो सामान्य श्रेणी के जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको दिया। इसमें मेरा अनुरोध होगा, इसमें अनुरोध ये होगा कि आज की तारीख में जो आरक्षण है वो एससी एसटी के लोगों को मिलता है, क्रीमी लेयर के जो हमारे बच्चे हैं ओबीसी के उनको मिलता है, और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारे जो अपर कास्ट के उनको मिलता है। आज जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो उनको अटेम्प्ट दिया जाता है, तो 32 साल जो कॉमन जो जनरल उम्र है, तो जो हमारे ओबीसी के होते हैं उनको 5 साल मिलता है, जो हमारे एससी एसटी के होते हैं उनके पास कोई सीमा नहीं होती है। तो मेरा अनुरोध होगा कि अब बच्चों में चूंकि आरक्षण सबको दिया गया है तो ये जो सीमा है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुझाव ये है कि आज जब यूपीएससी की परीक्षा है, आज आप 21 साल से रखते हैं, आप 32 साल तक रखते हैं और ले जाते हैं आप 40 तक भी, तो अब इसको खत्म कर दीजिए, वो बैंड रखिए 20 से 40 जो भी रखना है, जिससे किसी भी बच्चे के मन में इस प्रकार का तनाव नहीं होगा, उनको फीलिंग नहीं आएगी कि मैं चूंकि इस समाज में हूं इसलिए मुझे इतना ही उम्र तक देना। अगर हमारे आज क्रीमी लेयर के ओबीसी के बच्चे, हमारे अगर एस सी एस टी के बच्चे 40 साल में सेवा में आ रहे हैं, तो जो नॉन क्रीमी लेयर के जो बच्चे हमारे ओबीसी में हैं और जो सामान्य श्रेणी के हमारे बच्चे हैं उनको भी कम से कम एज का लाभ मिलना चाहिए। इससे जो बच्चों में एक तनाव होता है परीक्षा देने के समय में वो समाप्त हो जाए और इसको लेने में सरकार का कोई खर्चा भी नहीं आए। एक बात और, चूंकि ये लोकतंत्र में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कैरियर ओपन टू टैलेंट्स, कहीं भी आप अगर आपके पास मेधा तो आप जा सकते हैं। लेकिन आज भी इस देश में देखिए जुडिशियरी में, आज हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विस है, हमारे सेंट्रल सर्विसेज हैं, लेकिन जुडिशियरी में कई बार लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, कई बार इसके प्रस्ताव आए हैं, यहाँ भी हम लोगों ने कई भी चर्चा किया है, आज तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना नहीं। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि आपने इतने अच्छे अच्छे निर्णय लिए, ये भी निर्णय लिया जाए और तत्काल इस देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना किया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि जितने हमारे बच्चे आज हमारे देश में एक से एक अच्छे लॉ कॉलेजेज हैं, एक से एक ब्राइट बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री जो हमारी जुडिशियरी है उसमें नहीं हो पा रही है, खास करके हायर जुडिशियरी में। तो अगर आप आईएएस आईपीएस के उस तरह के स्तर पर अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाएंगे तो इनसे सभी बच्चे उसमें आएंगे। और एक और फायदा होगा कि जितना भी समाज है, चाहे वो एस सी एस टी हो, ओ बी सी हो या हमारे जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं, सब लोगों को मौका मिलेगा और सब लोग जो हैं जुडिशरी में अपना योगदान दे पाएंगे। तो मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि ये जो हमारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में भी तत्काल इसको यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे देश में लोगों को जुडिशरी के बारे में और भी ज़्यादा जो है ये आस्था बढ़ेगी और लोगों की भागीदारी भी इसमें बढ़ेगी। इसके साथ एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगा वो है, खास करके जो अभी आपने सब लोगों ने चर्चा किया कि भाई हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और ये बहुत सारे योजनाएं भी लाई गई हैं, लेकिन हमारे बिहार में जितनी भी हमारी सेवाएं हैं सरकार की, सब में 35% मिनिमम आरक्षण हमारी लड़कियों को दिया गया। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि केंद्र सरकार भी जितनी भी सेवाएं हैं केंद्र की, सब में कम से कम 35% आरक्षण जो है हमारी जितनी लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनको देने की व्यवस्था करें। और अभी चर्चा हो रही थी कि बहुत अच्छी बात है और हमारी पार्टी ने ये समर्थन किया है शुरू से कि जो खास करके हमारा लेजिस्लेचर है, जो लोकसभा है, जो हमारा विधानसभा है, सब जगह जो महिला आरक्षण का जो बिल है उसको तत्काल पारित कराया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो लोकसभा का जो हमारा है और विधानसभा है उसमें हमारी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो हो सके। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। इसके साथ अभी जो ये इस साल अभी जो राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि महात्मा गांधी जी का 150वां हम लोग मनाने जा रहे हैं, 2017 में बिहार में चंपारण का 100 साल मनाया गया था, तो मेरा अनुरोध होगा सरकार से कि जब गांधी जी के बारे में हम लोग जब उनका मनाने जा रहे हैं 150वां साल, तो ये एक तरफ से ये सोच होनी चाहिए कि कैसे गांधी जी के विचार, उनका जो जीवन दर्शन था, उनके जो कार्य थे,
वो खास करके जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो हमारे कॉलेज में हैं, उनके बीच जाए। बिहार में इसके बारे में काम किया गया था, जो चंपारण सत्याग्रह में लेकर के खास करके हमारे जो तीसरी क्लास से और आठवीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बापू की पाती, बापू जी गांधी जी के की तरफ चिट्ठी की एक किताब है, इसमें बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो हमारे नौवें से जो बारहवीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको बताया जा, एक सीरीज है एक था मोहन। ये इसलिए चूँकि जो गांधी जी की सोच थी और उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बच्चों के बीच में प्रचारित करना बहुत जरूरी, और खास करके जो उनकी सोच थी पर्यावरण के बारे में। वो कहते थे कि भाई आज दुनिया में जो संसाधन है इतना जरूर है कि जिससे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, लेकिन जो आपका जो ग्रीड है, जो लालच है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। इसका भी प्रचारित होना चाहिए। और साथ साथ गांधी जी ने साथ जो उनका जो सीन बताया था, हमारे बिहार में अगर आप चले जाएंगे तो सभी स्कूल में बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि क्या क्या किस प्रकार का ब्याज राजनीति करते हैं बिना सिद्धांत के। बहुत तरह की जो हमारे साथ सिद्धांत है उसकी चर्चा की गई है, जिससे लोग जानेंगे कि गांधी जी की क्या सोच थी, किस प्रकार से गांधी जी ने हमारे देश में इस प्रकार का आंदोलन चलाया कि हम लोगों ने अंग्रेज जो इतना ताकतवर था उसको अहिंसक तरीके से हम लोग देश से बाहर कर दिए। तो ये जो सोच थी हमारे बापू की और हम लोग आज मनाने जा रहे हैं 150वां वर्ष, इसको धीरे धीरे प्रचारित किया जाना चाहिए। और एक बात और है कि गांधी जी शुरू से ही इस बात के समर्थक थे कि समाज में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होनी चाहिए, प्रोहिबिशन के पक्ष में थे। और वो कहा करते थे कि अगर एक दिन का भी हमको राज मिले तो मैं पूरा का पूरा पूरे सब जगह में शराबबंदी लागू कर दूँ। और ये बहुत जरूरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखेंगे जिन जिन प्रदेशों में अभी भी शराब बेचा जा रहा है, आप देखें किस प्रकार की स्थिति है। तो गांधी जी का जब हम लोग 150वां मनाने जा रहे हैं जयंती, तो निश्चित रूप से जो गांधी जी की सोच रही है, उनकी जो विचारधारा रही है, उसको हम लोगों को पूरी तरह से नीचे लागू भी करना पड़ेगा और प्रचारित भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी है कि गांधी जी ने भी खास करके जो श्रम की और लेबर की जो गरिमा है, महत्ता है, उसको बताया था। और आज जब हम लोग सब लोग इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि हमारा देश आगे आने वाले समय में, अभी बहुत अच्छी बात सरकार की तरफ से जो राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा है कि हमारा देश आगे चल कर करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया के नंबर 3 हम जो इस पर स्थापित हों, तीसरे स्थान पर आए, इसके लिए जरूरी है। और देखिए सबका साथ, सबका सबका विकास और सबका विश्वास, ये कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये सब लोगों सर टाइम इज ओवर या जस्ट आई एम कंक्लूडिंग इट, ये सबके लिए जरूरी है कि हमारे देश में जो हमारे देश का जो संस्कार रहा है, जो हमारे देश की एक पहचान रही है, वो हम लोग इसको स्थापित करें और हमारा देश आगे आने वाले समय में ना सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हो, बल्कि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।